वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 33। क्लास 9th की ये जो वर्कशीट है उसके अंदर हम साइंस का जो टॉपिक है वो मोशन कंटिन्यू कर रहे हैं। मोशन वाले चैप्टर में हम पहले भी दो तीन वर्कशीट हम देख चुके हैं। ये 18th ऑफ सितंबर की वर्कशीट है। आइए चलते हैं, इसके अंदर क्या लिखा है वो देख लेते हैं। एज यू नो दैट वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पिछले कुछ वर्कशीट में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है जिसके अंदर जो वाई एक्सेस होती है वहां पर डिस्टेंस लिखा होता है, और जो एक्स एक्सेस होती है वहां पर लिखा होता है टाइम। और उससे पता चल जाता है कि हमारा कितने टाइम में कितना डिस्टेंस हमने चला। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। याद है आपको डिस्प्लेसमेंट क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको याद है डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। यूजिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी आपको याद होगा स्पीड जैसा ही होता है। वेलोसिटी के अंदर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। स्पीड के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कहने का मतलब ये है, स्पीड बताती है कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर की तरफ चल रहा हूँ, वो स्पीड है। 30 किलोमीटर पर आवर मैं साउथ की तरफ चल रहा हूँ तो वो हमारी वेलोसिटी हो जाती है। ये कहाँ पे यूज होता है, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। प्लेन या फिर शिप्स, तो वो शिप्स में क्या होता है या प्लेन में क्या होता है, वो डायरेक्शन भी बताते हैं ताकि वो पता चल पाए आप जा कहाँ रहे हो। हम डेली लैंग्वेज में स्पीड यूज करते हैं, बट एक प्रोफेशनली हमें वेलोसिटी यूज करनी पड़ती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन होता है, पता चलता है कि टाइम के साथ जब कोई चीज बढ़ती है, ये ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, इन एन वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सेस, यहाँ पे वेलोसिटी होती है, एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सेस, यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन है उसे उस पे एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट करा जाता है। टेक टू पॉइंट ए एंड बी ऑन द लाइन, यहाँ पे ए और बी जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, आप कहीं पे भी ले सकते हैं लाइन पे, और उनके जो बीच का जो ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, मैं उसको रेड करने वाला हूँ। ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, डिस्टेंस बताता है या डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ये तो हो गया इस ग्राफ के बारे में। अब ये चार तरह के केसेस बनते हैं। पहला केस हम दो बार पढ़ चुके हैं पहले, जब वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। ठीक है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही मतलब आप कांस्टेंट है, ये हाईवे की कंडीशन है। आप जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो आपकी नॉर्मली गाड़ी जो होती है वो एकदम स्पीड उसकी सेम रहती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने 40 किलोमीटर पर आवर, आप कह सकते हो 40 मीटर पर सेकेंड, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड यूनिट है, तो वो उस पर चल रही है। इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट, नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है बढ़ना। तो सेकेंड ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया बराबर बराबर बढ़ रहा है हर एक सेकेंड में। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हो गया आपका रिटार्डेशन। ये ढंग से यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे ध्यान से आप देखें, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हो गई जब टाइम बढ़ता है और स्पीड जो है वो कम होती जा रही है। अब ये दोनों केसेस कहाँ पर होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एक्सेलरेशन हो गया जब यहाँ से सपोज करो स्पेसशिप जा रहा है ऊपर की तरफ, तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, और एक टाइम के बाद वो एक्सेलरेशन से नो एक्सेलरेशन पहुंच जाएगा क्योंकि उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। बट जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाती है और एक टाइम आता है फ्लैट हो जाती है ऐसे। वेयर एज जब गाड़ी रुक रही होती है तो आप धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं, उसे कहते हैं रिटार्डेशन। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि आपको क्या लगता है और कहाँ पे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन या नो एक्सेलरेशन यूज होता है। दूसरा हो गया नो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, जैसे कि आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। ये आप मुझे केस में बताइए कहाँ पे यूज होता है, तो आप इसके बारे में बताएं, बिकॉज हम लास्ट वर्कशीट में पिछली बार पढ़ चुके हैं ये कहाँ पे हमारा ग्राफ यूज हो सकता है। आगे चलते हैं, इन्होंने दो यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी होती है तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये डिस्टेंस निकालने का तरीका, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है ये 12 और 11, 40 यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है, 40 यहाँ पे चल रहा है और 40 यहाँ पर। तो आप इसको माइनस करेंगे इन दोनों को, पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 -1.2।
ये 1.2 है, ये 0.4 है, ये 1.2 है, 4 माइनस 1.2 और स्पीड क्या चल रही थी 40 की, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, इसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बता रखा है, कैसे निकाल सकते हैं, उन्होंने फॉर्मूला बता रखा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालेंगे और नीचे वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया निकालेंगे, उन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, इस तरीके से आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये हो गए सारे के सारे तरीके, आए चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट पैरेलल लाइन टू एक्स, स्ट्रेट पैरेलल लाइन टू एक्स का मतलब ग्राफ हो गया ये वाला स्ट्रेट पैरेलल लाइन टू एक्स, ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये इसके पैरेलल हो गई। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, याद है अभी अभी हमने बात करी थी इसके बारे में, तो हम इसका आंसर लिख देंगे नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है, चाहे तो आप वाला ग्राफ भी बना सकते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट 2 to 3 सेकेंड, इस वाले फिगर में बताना है आपको 2 to 3 सेकेंड के बीच में इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, 2 to 3 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस उसने चला, ये हम अभी इसको एंड में इसको हम दिखा देते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने इसके अंदर यहाँ पर शेड कर दिया, ये जो पूरा यहाँ से 2 to 3 चाहिए था हमें, तो मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ये ऊपर एक ट्राइंगल में डिवाइड करा है और नीचे एक रेक्टेंगल में, तो ट्राइंगल वाला जो पार्ट हो गया उसका जो एरिया हमें निकालना है वो हमें हाफ बेस इंटू हाइट कर दिया मैंने यहाँ पर, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, बेस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है 2 से लेके 3, मतलब 1 यूनिट चला, और यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट हो गई इसकी 4, देखो 8 से 12 मतलब 4 यूनिट चला, मैंने जब इसको सॉल्व करा तो 2 आया। उसी तरीके से मैंने जो पर्पल कलर का जो रेक्टेंगल का रखा है उसका एरिया निकाल लेते हैं, वो होता है बेस इंटू हाइट, या फिर आप कह सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है इसकी 2 से 3 मतलब 1, और हाइट कितनी है 2 यहाँ से यहाँ तक मतलब 0 से लेकर 8 तक, तो 8 हो गई, तो 1 into 8 8 हो गई, तो हम इन दोनों को एरिया को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10, तो टोटल आपका यहाँ पर आ गया 10 यूनिट। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, विच फिजिकल क्वान्टिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ वेक्टर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या इससे हमें पता चलता है, तो हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं बेसिकली, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एक्सेलरेशन बताता है बेसिकली। नेक्स्ट होता है ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेशन ऑफ अ मोशन एंड रिटार्डेशन ऑफ अ मोशन, तो 2 बताने हैं, एक्सेलरेशन का भी बताना है और रिटार्डेशन का बनाना है, तो ये 2 आपको ग्राफ बनाने हैं, पहला वाला हो गया एक्सेलरेशन का, दूसरा हो गया रिटार्डेशन का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और अपने जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, उससे पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।